हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश चौहान है और आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए कि जो आप चाहे वो आप जेई नीट मेडिकल इंजीनियरिंग क्लास 6 7 8 अप टू 12 तक का कोई बच्चा है, या अगर वो कोई बैंकिंग रेलवे वगैरह का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो या ये लेक्चर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर ये कोई वीडियो कोई टीचर देख रहा है तो उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे मैथ्स या बायो से हो, चाहे कोई भी बच्चा देख सकता है, स्टूडेंट देख सकता है, पेरेंट्स देख सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशन या ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपको किसी बुक या कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो मैं पहले आपको एक जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसको आप देखिए। ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, जिसे मान लो हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें टू टू लाइन क्या करूंगा, ये हॉरिजेंटल दो लाइन ड्रॉ करूंगा और ये 3 × 3 कर रहा हूँ तो 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये कटिंग पॉइंट को काउंट कर लेना है। ये 2 × 3 3 और ये 3 कितना जाएगा, 6 जाएगा। आप बोलोगे सर 2 × 3 तो ये आप ऐसे ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये आपको अभी इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक यूनिक तरीका होता है। इसके बाद ये तरीका मैं आपको हर सभी सभी क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा इस मेथड से। बड़े बड़े डिजिट बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप घर में बनाओगे तो लोग आप आपके मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया, पति कर रहा है करके। ठीक है, फिर अगले इस वीडियो को बताने के बाद मैं आपको कई सारे ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ या बताऊंगा उसमें, जिसमें किसी भी नंबर्स का होल स्क्वायर आप चुटकियों में बस दिमाग में आप कर सकते हो। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप अपने दिमाग में कर सकते हो बिना कॉपी और पेन का यूज किए हुए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये काफी छोटा डिजिट था इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जैसे मान लो मैं धीरे धीरे आप डिजिट बढ़ाता जाऊंगा, जैसे मान लो ये 12 × 3 कर दिया, तो 12 × 3 मतलब हमने क्या किया, पहले ये सिंगल डिजिट हॉरिजॉन्टल में 12 है तो 1, और ये टू पेयर में ये 2, पहले 1 ये यहाँ खींचा और ये 2 यहाँ खींचा। अब क्या करूंगा, ये 3 लाइन ड्रॉ करूंगा। अब 3 लाइन ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये वाला डिजिट कितना है, 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 लिख देंगे, ये 1 2 और 3, यहाँ 3 लिख देंगे, तो ये टोटल एडिशन करके 36 हो जाएगा। अब जैसे मान लो और हम थोड़ा डिजिट बढ़ाते जाते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 × 12 कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, पहले हमने क्या किया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये 1 और ये 2 लाइन वर्टिकल में 2 लाइन। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का 1 2 3 4 5 6, इसको हमने 6 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम पेयर बनाते हैं, ये वाले टर्म्स का ऐसे पेयर बनाएंगे, ये वाले टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे ऐसे। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कटिंग पॉइंट 1 2 और 3, तो 3 और + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ मैं 7 लिख दूंगा। बाय द वे कभी ऐसा हुआ कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 10 से ज्यादा आ जाएगा, तो 10 से ज्यादा आ जाएगा तो जो हमारा डिजिट आएगा उसको कैरी करके अगले वाले में लिखते हैं। यानी जो अगर मान लो यहाँ पे 11 आता है तो 11 का 1 लिखेंगे और 11 का 1 लिखने के बाद एक कैरी आ जाएगा, एक कैरी नॉट क्या करेंगे, यहाँ पे 7 + 1 लिख देंगे, 8 आ जाएगा, तो ये 4 + 3 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर दिया, इसमें काउंट करते हैं 1 और 2, ये 2 और यहाँ कितना आ रहा है 1 और 2, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये 1 4 7 6 आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लो इसी में और हम डिजिट बढ़ाते जाते हैं, कोई और डिजिट ले लेते हैं। अच्छा, इसमें आप एक ट्रिक ये है कि अगर कोई नंबर जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 5 से कम है तो ज्यादा बेटर है, मतलब अगर आप इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो, अगर वो कोई नंबर 5 से कम है, जैसे मान लो 1 5, और अगर मान मैं यहाँ 6 लिख दूंगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्या है कि वो ज्यादा लाइंस खींचना पड़ेगा। चलो मान लो हमने 1 4 6 × मान लिया हमने 22 कर दिया, चलो 22 कर दिया, तो मैंने क्या करूंगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले 1 फिर 1 2 3 4, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6, फिर वर्टिकल लाइन यहाँ पे 1 2 और फिर यहाँ 1 और 2, फिर ये वाले में हम काउंट करते हैं कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 का यहाँ 2 आ जाएगा।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे यहाँ पे इन और इनको ऐड करके इसको ऐड करेंगे, कैरी आते हैं यहाँ पे। तो दो तो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, दो अठारह, दो बीस, बीस और एक इक्कीस को एक दो कैरी बचा, ठीक है। फिर इसका इसका पेयरिंग करेंगे, ये देखिए दो दो चार, दो छह, दो आठ और दो दस और दो बारह, दो एक बचा, तो दो यहाँ बचा, दो और एक तीन, ये थ्री टू वन टू हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, थ्री टू वन टू। अब सवाल ये उठता है कि ये तो सारे चाहे दो डिजिट का हो, चाहे तीन डिजिट का हो, चाहे चार डिजिट का हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये आता है कि अगर कोई नंबर में जीरो आ जाएगा तो फिर उसको कैसे करें। तो फिर से मैं आपको वहीं से शुरुआत करता हूँ, जिसे मान लिया हमारा ये वन है, वन इंटू जीरो है और इंटू टू कर रहे हैं, टेन को हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वर्टिकल लाइन जहां जीरो रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डॉटेड लाइन लिखेंगे। अब ये टू को हमने ऐसे लिख लिया, जब भी हमारे ये मल्टीप्लिकेशन में जब ये कटिंग पॉइंट को हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ कट तो नहीं कर रहा था, अब इसको हम लोग इमेजरी एक जीरो मान लेते हैं, हमेशा जीरो। हालांकि मल्टीप्लाई करना आपको आसान है, तो वन इंटू टू कर ज्यादा अच्छा है और जीरो बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जीरो वाले टर्म्स को हमको देखना है तो फिर कैसे करेंगे। ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा आपका टू, वन और टू, टू हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर बाई जगह हमने बोल दिया कि चलो ये जीरो यहाँ अगर नहीं रहेगा तो जीरो वन इंटू टू करके और ये जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन बाई जगह कोई ऐसा टर्म्स आया जिसमें बीच में जीरो आए तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया हमने ले लिया वन जीरो टू इंटू मान लो थ्री ले लिया, अब क्या करेंगे। तो चलो हमने इसके तरीका बताता हूँ, ये वन हो गया, एक डॉटेड लाइन बीच में आएगा और ये दो लाइन आएगा, ठीक। अब तीन लाइन यहाँ, एक दो और तीन, तो तीन लाइन में देखो एक दो तीन चार पांच छह सिक्स यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ कटिंग पॉइंट क्या है, जीरो है तो जीरो रहेगा और एक दो और तीन यहाँ थ्री जीरो सिक्स। अब थोड़ा और डिजिट बढ़ाते हैं, ये तो आसान है, आप इजिली मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा डिजिट बढ़ा करते हैं, जिसे मान लिया वन जीरो वन टू इंटू मान लो हमने थर्टीन कर दिया ऐसे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वन लिखा, फिर ये जीरो हो गया डॉटेड लाइन से, फिर ये वन हो जाएगा, फिर ये टू पेयर में, ये वन और ये थ्री, एक दो और तीन, ठीक। तो पेयरिंग करते हैं, मान लो अगर ये वाले लाइन हमारा ये इधर आएगा, फिर इसके बाद ये वाला इसके साथ, ठीक है, और ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, और ये अकेले, ठीक है। अब देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सिक्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए टू और थ्री फाइव, फाइव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए ये वन और यहाँ कोई कटिंग पॉइंट नहीं है, तो वन और प्लस जीरो, ये जीरो माना जाएगा, तो वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी थ्री प्लस जीरो यानी थ्री हो जाएगा और ये वन, तो वन थ्री वन फाइव सिक्स हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी नंबर का आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो दो डिजिट का हो तीन डिजिट का, बस सकते कि आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो डिजिट रहे वो फाइव से कम रहेगा तो हमको लाइन कम बनाना पड़ेगा, फाइव से ज्यादा होगा तो लाइन ज्यादा बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हमने एट दे दिया यहाँ पे, वन जीरो वन एट दे दिया, तो आठ लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे आसान ये है कि आप सिंपल तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप किसी भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको जो वीडियो बताने यानी जो तरीका बताने जा रहा हूँ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिशन सबट्रैक्शन और स्क्वायर करना, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, कई जगह आप ढूंढोगे तो बहुत सारे मेथड मिलेंगे स्क्वायर करने का, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं जिससे वो किसी भी नंबर का उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, वो आपका तरीका है। पहले मैं आपको बताता हूँ वो तरीका, मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो आपके बुक वगैरह में या आपको हर जगह मिलेगा, पहले मैं सबसे पहले वो तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसे क्या होता है, किसी भी नंबर का जैसे मान लो हमको स्क्वायर करना है, जैसे मान लो हमने 43 का स्क्वायर करना है, ठीक। इस मेथड, ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड होता है, मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का। तो वो तरीका जो है आपको चुटकियों में आप अपने दिमाग में किसी भी नंबर का स्क्वायर करके निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये 43 का स्क्वायर है, तो हम ये देखते हैं कि ये किसी 10 के मल्टीपल के कितना नजदीक, ठीक है। 10 के मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि इसके नजदीक में 10 का मल्टीपल क्या होगा, 40 होगा,
उसके नजदीक में डिजिट, तो ये 40 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कितना नजदीक है ये देखते हैं, तो ये 3 डिजिट ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार इसमें 3 को ऐड करते हैं और 3 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, जितना हमने ऐड किया उतना सबट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद पॉजिटिव साइन, तो 3 into 3 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, या मॉडुलस बोल दो ज्यादा अच्छा है, ये 43 + 3 कितना आएगा 46 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 43 - 3 हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और प्लस 9। अब ये 0 को हम ऐसे उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक डिजिट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो हमने क्या किया 4 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या देगा 4 × 6 = 24, 2 बचा फिर 16 और प्लस 2 = 18 हो जाएगा, और प्लस 9, तो 1849 इसका आंसर आया, ठीक है। हमने क्या किया 10 के मल्टीपल को देखा, सबसे नजदीक वाले जितना नजदीक था उतना ही हमने ऐड किया, उतना ही हमने सबट्रैक्ट कर दिया, और जितना ऐड और सबट्रैक्ट किया उसका पॉजिटिव साइन लेकर के या उसका स्क्वायर करके हमने क्या किया उसमें ऐड कर दिया, फिर इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लो ये आपका पहला क्वेश्चन था, अब जैसे मान लो हमने 69 कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लो हमने एक नंबर लिया 69, चलो लीजिए हमने 69 का स्क्वायर करना है, 10 के मल्टीपल में क्या है 70 के सबसे नजदीक है, सबसे करीब है, तो हमने क्या किया कितना कम है एक कम है, तो हमने क्या किया 69 में एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 69 है एक सब्ट्रैक्ट किया और एक ऐड कर दिया और इनका स्क्वायर स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो 69 + 1 कितना आ जाएगा 70 और यहाँ आ जाएगा 69 - 1 = 68 और प्लस 1। अब देखो ये हो जाएगा 680 हो जाएगा, 680 × 7 सिंपल डिजिट का मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, क्या चीज ये हो जाएगा 7 + 0 हो जाएगा 56 + 6 = 5 हो जाएगा 42 + 5 = 47 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4761, दिस इज द आंसर, ठीक। अब जिस मामला एक और नंबर हमने ले लिया, इस तरीके से आप कर सकते हो 38 का स्क्वायर हमको मालूम करना है, तो 38 का स्क्वायर सबसे नजदीक नंबर कौन सा हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो हमने और कितना कम है 2 कम है, तो 38 प्लस 2 और 38 - 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और प्लस 36 सॉरी इनटू 36 और प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 × 4 और प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 तो 14 और प्लस 4 तो 1444 ये आपका आंसर होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ ये तरीका थोड़ा सा लेंदी, क्योंकि 4-5 स्टेप में आ रहा है, ये हमारा तरीका थोड़ा लेंदी होता है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद, एक और मेथड है स्क्वायर करने का जिसमें लोग बोलते हैं, इसके बाद मैं उस तरीके को बताऊंगा और आप उस क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो या किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकियों में कर सकते हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, ऐसा डिजिट जिसके लास्ट में 5 हो, इसकी कंडीशन है कि लास्ट में डिजिट 5 ही होना चाहिए तभी हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लो 25 का स्क्वायर हुआ, 35 का स्क्वायर हुआ, 65 का स्क्वायर हुआ, किसी कितना हो डिजिट का नंबर हो, 35 का स्क्वायर हुआ, 115 का स्क्वायर हुआ, 45 का स्क्वायर हुआ, कितना हो बड़ा नंबर हो या कितना हो बड़ा छोटा नंबर हो, ठीक। इसका तरीका क्या है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं 5 का स्क्वायर 25, इसके पहले वाले जो जितना डिजिट बचेगा वो और उसमें प्लस 1, तो ये मानो 2 × 2 + 1 यहाँ लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 2 + 1 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, तो 6 × 2 = 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ सिर्फ रख देना है आपने। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने 25 लिखा, ये 3 है तो 3 × 3 + 1 तो 3 × 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ रख देना है ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 × 25। अब जैसे मान लो 65 का स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिख दिया 25 और 7 × 6 = 42 42 हो जाएगा, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25 और 12 × 11 तो 12 × 11 करेंगे तो आपका आ जाएगा 132, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 × 5 कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ये वाला जो डिजिट आएगा, ये जो वाला जो स्क्वायर मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ जब लास्ट डिजिट 5 हो तब इस मेथड को अप्लाई करते हैं,
ठीक। और तीसरा मेथड जो मैं स्क्वायर का आपको बताने जा रहा हूँ, जो ब्रह्मास्त्र पहने हमारा ब्रह्मास्त्र है, इस मेथड का यूज करते हैं, जो कि इस मेथड से आप किसी भी नंबर को, इसमें कोई आपका कंडीशन नहीं है कि वो लास्ट डिजिट 5 है कि फर्स्ट डिजिट क्या है, उससे हमारा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या तरीका होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो मैं फार्मूला जिस मेथड से या जिस तरीके से लिखा हूं, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे भी हमें पहला मेथड जो हमने तो 43 का स्क्वायर करना है, तो ये ध्यान देना है कि ये फार्मूला हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी सही है, लेकिन हमको ये हमेशा इसी मेथड को फॉलो करना है, इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, ये वाला तरीका सही है एग्जैक्ट, क्योंकि ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब आप इस पैटर्न में आप इसका आंसर बनाओ। सेकेंड चीज क्या है कि आप सबसे पहले ये मानो हमारा ये ए है और ये हमारा बी है, तो सबसे पहले आप इधर से आंसर लिखते हुए आओगे, इस साइड से, राइट साइड से आप आंसर लिखोगे। तो चलो हम बात करते हैं 3 का स्क्वायर, ये हमारा 4a है और 3 क्या है, b है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसी मेथड से हम क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। थोड़ा सा उसमें क्या होता है, जब नंबर डिजिट बड़ा होते जाता है तो तब थोड़ा प्रॉब्लम होती जाती है, लेकिन आप उस मेथड, इस मेथड से आप क्यूब भी निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 2ab है, 2ab यानी 4 इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया इंटू 2 कर दोगे, तो 12 और गुणे 2 कितना 24 हुआ, 24 का यहाँ 4 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और, जब भी अगर मान लो यहाँ 3 की बजाय 4 रहता तो 16 हो जाए, तो 16 का 6 लिखते और एक कैरी फॉरवर्ड अगर के इधर आता, तो अभी इसमें तो आया नहीं, तो हमने क्या किया 3 के स्क्वायर 9 लिखा, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, 24 का 4 लिखा, 2 बचा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और प्लस 2 18, तो 1849 आपका आंसर आ गया। कोई भी नंबर, जैसे मान लो अभी हमने 25 का स्क्वायर लिया था उस मेथड से, अब इस मेथड से करते हैं, चलो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 का वहां लिखेंगे, 2 बचा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 2 2 वे 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर फिर यहां करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, 4 और प्लस 2 कैरी बचा था 6, 625। कोई भी आप नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर, जैसे मान लो अभी हमने 68 का स्क्वायर निकाला बताया था आपको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 का 4 लिख लिया, बचा कितना कैरी 6 बचा, 8 से 48 गुना के 96, 96 और 6 102, 102 का 2 बचा कितना 10, 36 और 36 और 10 46, 4624। अब कोई भी नंबर ले लो, अब आप बोल रहे होगे कि ऐसा इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि आप बोल रहे थे कि ये आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ दिमाग में कैसे सॉल्व कर लोगे, जैसे 21 का स्क्वायर है, तो देखो 21 का स्क्वायर में पहले आपको क्या देखना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको छोड़ दिया यहीं पे 1 हो गया, ठीक है। और 2 इंटू 1 इंटू 2 करना है, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 4 हो गया, अब उसके बाद 20 था 2 था तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो 4 4 1 लिख देते हैं, 4 4 1। दो चार बार क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अपने दिमाग में सॉल्व करोगे तो अपने आप बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मान लो हमको 23 का स्क्वायर करना हो, बस आप आंसर लिखते चले जाओ, 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 12, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 1 बचा, 2 गुणा के 4 और 1 5। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप तुरंत स्क्वायर कर सकते हो, कोई भी कितना हो बड़ा नंबर। जैसे मान लो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर 3 डिजिट का नंबर हो तो हम क्या करेंगे, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ 3 डिजिट का नंबर है तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इधर 2 डिजिट है उसको हम लोग मान लेंगे ए और ये जो सिंगल डिजिट है उसको मान लेंगे बी। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 11 इंटू 2 22 और 22 इंटू 2 44, 44 का हमने 4 लिख दिया, बचा कितना यहाँ कैरी हो जाएगा 2, और फिर 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कैरी 4 बचेगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्लस 1 कितना होगा 125 हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, 3 डिजिट का मान लो हमने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो हमने 114 ले लिया,
जब हमको 124 ले लिया स्क्वायर करना है, तो हमने क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे, 1 बचा, 12 चौका 48, 48 ना कि 96, 96 और 1 97 हो जाएगा, 97 बचा और यहाँ 9 बच जाएगा कैरी, तो 12 पर हमें 144, 144 और 9 153, 15376 ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर चाहे वो कितना हो बड़ा हो, 4 डिजिट के भी नंबर में आप उसको पता चल जाएगा, इसमें मान लो 1241 का हमको स्क्वायर करना है, तो इसको आपको क्या करना है, ए करना है और इसको बी करना है, तो अब फिर से ये प्रॉब्लम आपका आएगा कि 41 का और 12 का स्क्वायर, तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 डिजिट के नंबर तक ये चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप 41 का भी स्क्वायर करने जाओगे तो फिर 41 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा दोबारा, तो इससे अच्छा ये है कि आप 1241 का स्क्वायर अगर मान लो 4 डिजिट का स्क्वायर करना है तो आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, लेकिन 3 डिजिट के लिए आप चुटकियों में कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि इसको दिमाग में कैसे बनाना है, 10 क्वेश्चन आप इस पे बनाओ, ऐसे बनाओ, और 10 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बना करके सिर्फ आंसर लिखो, गारंटी दे रहा हूँ आपका तुरंत क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, और मुश्किल से आप 15 सेकंड से भी कम लगाओगे, 15 या 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्वायर का मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में हम कैसे करते हैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना, अभी बहुत सारा चीज है आपको मैं बताऊंगा, इसमें 2-3 वीडियो आपको बताने वाला हूँ, और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो या क्लास 6, 7, 8 वगैरह में आप पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मैथ से लोग क्यों डरते हैं, मैथ से डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको कैलकुलेशन से दिक्कत होता है, और कैलकुलेशन सबके लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हो, सबके लिए प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कैलकुलेशन आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि आप ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो सेक्शन है वो आप इसमें काफी स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लो 62 × 32 हमको करना है। ठीक है, ये आप सबकी बुक में भी दिया होगा, इसको आप कर सकते हो किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 4 हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो 3 और 2 6 हो जाएगा और 6 और 2 12 हो जाएगा, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 का 1 लिखेंगे, फिर क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 और 3 18 हो जाएगा, 18 18 और यहाँ से कैरी बचा था तो 18 और 1 दो डिजिट के नंबर के लिए काफी अच्छा है, 3 डिजिट के नंबर में आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस मेथड को आप फॉलो करिए, इसमें किसी भी नंबर किसी भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मानो 32 × मैंने फिर से 32 ही ले लिया, मानो 42 × 68 मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे 8 और 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 में हमारा एक कैरी बचेगा, उसको हमने मान लो यहाँ लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 4 = 32 और 6 × 12 कितना होगा 44 44 और 1 45 फिर 4 बचा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 4 28, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2856। ठीक है, ये काफी इजी मेथड है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो तो आपके लिए, मैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने के लिए सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आती है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, तो उससे अच्छा ये है कि आप सिर्फ 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन को सीखो और उसी को जानो, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम इसमें लग जाता है और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन में आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी नंबर हो आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बड़ा खास बात होता है, जब भी आपको कोई फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में या किसी भी स्ट्रीम में मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ छोटी छोटी गलतियां होती है, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो मल्टीप्लीकेशन मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा जिसमें डिविजन और सबट्रैक्शन का भी बताऊंगा, खास तौर से वो वाला सेक्शन जिसमें फ्रैक्शन का एडिशन और सबट्रैक्शन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो
वो में आपको प्रॉब्लम नहीं रहती है, बस हमारा टाइम कम करना रहता है, सबको आता है एलसीएम से सॉल्व करना। तो मैं आपको फ्रैक्शन वाले डिजिट को या फ्रैक्शन वाले नंबर्स को, तो पहले हम बात करते हैं 5 से मल्टीप्लिकेशन की। 5 से मल्टीप्लिकेशन ये देखो सभी के लिए जनरल, जैसे मानो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 25 से कर रहे हैं या 50 से कर रहे हैं, 100 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब 5 के मल्टीपल में खास तौर से 5, 25, 50 और 100 है। अगर मानो हमको 5 को मल्टीप्लाई करना है, मानो 98 या मानो 49 से मानो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या दिक्कत आता है, हम इसको पढ़ेंगे, ये डिजिट पढ़ाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हमने क्या किया, वो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2 और 5 क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को 49 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है, क्या हो जाएगा, 490 हो जाएगा, 490 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये आसान है, सबसे आसान तरीका। ये मान लो आप सोच रहे हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने में हमको प्रॉब्लम जा रही है या ऐसा है वैसा है, मैं किसी भी नंबर्स के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप इसको डिवाइड करना आपके लिए आसान है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 249 हो जाएगा। कोई भी नंबर जैसे मान लो जिसको 5 से मान लो मल्टीप्लाई करना, 123 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1230। 1230 बटा में 2 आपको डिवाइड करना आसान है, कितना हो जाएगा 615, आधा करना है, सिंपल सा। अब ये बात यहाँ आती है कि अगर मानो आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 25 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या दिक्कत आएगा या क्या कर सकते हैं। मानो ये 49 है, तो 49 से मतलब 25 से अगर किसी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ, 25 से इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। अब ये 4900 आ जाएगा, 4900 डिवाइड बाय 4 आपको डिवाइड करना आसान है, 2 बार 2 से डिवाइड करो, सबसे आसान तरीका। पहले एक बार 2 से डिवाइड किया तो ये जगह 2 और फिर यहाँ जगह 4 और ये 5 और ये 0 डिवाइड बाय 2, फिर से 2 से डिवाइड कर तो ये जगह 12 और ये 25, आसान है, 2 बार 2 से डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 50 से ये तो वही बात हो गई, 5 और 50, 100 से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 से भी अगर मानो कहीं मल्टीप्लाई करने के लिए दिख रहा है तो कोशिश करो, अगर मानो बड़ा डिजिट है तो उसको एक जीरो बढ़ाने की कोशिश करो, जैसे मानो 168 ही दिया हुआ है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए अगर आसान है, या 16 मानो यहाँ पर दे दिया तो कोशिश करो कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें जिससे कि ये हमारा एक डिजिट में हो जाए। एक डिजिट में होने से फायदा क्या हुआ, जैसे मानो 16 दिया हुआ, मैंने क्या किया 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, अब 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा सिंगल डिजिट में हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 इंटू 168 डिवाइड बाई 5, ये हमारे लिए करना आसान है। फिर से 5 से डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो क्या करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ज्यादा अच्छा है, ये हो जाएगा 10 और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना हो जाएगा 8 × 16 या 160 यहाँ हो जाएगा, 168 यहाँ हो जाएगा, ये है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी, जैसे मान लो अगर 5 से है या 8 से है या 16 से है या मान लेते हैं जिसमें आप उसको मल्टीप्लाई करके आप उसमें जीरो बना सकते हो, जीरो के टर्म्स में अगर बना सकते हो तो काफी अच्छी चीज है। तो ये हो गया 5, 25, 50 और ये 100 से आपको मल्टीप्लाई करना बता दिया। 6 से भी आप ऐसी तरीके से कर सकते हो, 30 बना दिया, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से करोगे तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 30 बन जाएगा, ठीक। 6 जैसे मान लो 142 इंटू 6 करना है तो अगर 6 से कर सकते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ऐसा डिजिट है जिसमें हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया पहले 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 6 5 से 30 हो जाएगा और 30 का 3 बन जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना हमको आसान हो जाएगा। तो ये ऐसे भी तरीके होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन आसान किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 9 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना, 9 से, 9 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो, 1, 2, 3 इंटू 10 - 1 बना लिया इसको, अब इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 1, 2, 3 इंटू 10 इंटू 10 - 1, 2, 3 तो ये हो जाएगा 1230 - 123। अब इसको आप माइनस करना आसान है, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 2 - 2 हो जाएगा 0
और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 1 होगी 11 0 7 आपका आंसर गलत। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी देख लो 9 3 27 2 बचेगा 9 18 तो 20 को 0 9 कम 9 11 1100 60। 9 से मल्टीप्लाई करना आसान है, कोई भी नंबर 9 हो 99 हो या 9099 हो, तो इसको आप क्या कर लो 100 माइनस 1000 माइनस 1 करो, 99 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर लो, किसी भी मान लो एबीसी है कोई भी नंबर, तो इसको क्या कर लो 100 माइनस 1 कर लो, 99 से मल्टीप्लाई करना है एबीसी कोई भी नंबर हो, 100 माइनस 1 9 का मल्टीपल हो या 9 रिपीट हो तो ठीक है। अब सवाल आता है 10 का मल्टीपल, 10 के मल्टीपल के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बस एक जीरो बढ़ा देना, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, एक जीरो बढ़ा देना। 11 से मल्टीप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ, काफी इजी है, आप इसको भी एकदम आसानी से बना सकते हो। 11 × 123 क्या करना है, लास्ट डिजिट को लिख देना है, फिर क्या करना है 2 और 3 को ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 5, फिर 2 और 1 को ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और फिर 1 को, फिर 1 को वापस नहीं लिख देना, 1353 हो जाएगा। कोई भी नंबर कितना हूं बड़ा हो, 4 8 9 7 5 मान हमने लिख दिया, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्या कर लो यहाँ सबसे पहले लास्ट में 5 लिख दिया, फिर 5 और 7 को ऐड करो, कितना जाएगा 12 का 2 एक कैरी बचा, ठीक है, तो फिर 7 और 9 को ऐड करो तो 16 और 17 अभी भी एक कैरी बचा, फिर इसको ऐड करोगे 9 8 17 और 1 18 एक कैरी बचा अभी भी, अब इसको ऐड कर दो तो 8 और 4 12 12 और 13 को 3 एक कैरी बचा था, फिर इसको वापस लिखना है 4 और 1 5 कितना हूं नंबर आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, किसी भी नंबर्स के लिए आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमको एबीसी को 11 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 11 से, ऐसे समझ लो ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या करेंगे पहले सी लिखेंगे, फिर बी प्लस सी लिखेंगे, फिर ए प्लस बी लिखेंगे और फिर ए लिख देंगे, आप ऐसे समझ लो ज्यादा आसान है। एबीसी क्या है, 3 डिजिट का नंबर है, ऐसे समझ सकते हो, क्लियर है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप तुरंत 2 सेकंड में किसी भी नंबर्स का आंसर निकाल सकते हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स रहे हैं आपको, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना जानना है तो हमारा हमने लिंक दिया है नीचे में, आप वहां जाकर के देखिए और उसमें आपको काफी सारे वीडियो इससे रिलेटेड मिलेंगे। और ये स्पेशली हमने सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए अलग से एक वीडियो बनाया, इसमें आपको इस तरीके से जानकारी मिलेगा, और आगे की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि डिवीजन और सबट्रैक्शन और फ्रैक्शन का डिवीजन और सबट्रैक्शन मतलब कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन वाले टर्म्स का, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।